जो गाइस इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गैस किट दी है वो मैं आपको शो करता हूँ। जनरली क्या होता है, गैस किट जो है रबर की आती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, इन्होंने सिलिकॉन की गैस किट दी है इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। गाइस, व्हाई ऑफ एल्युमिनियम व्हेन गुड हेल्थ डिमांड्स अ स्टेनलेस स्टील कुकर फॉर योर डेली नीड फॉर योर डेली हेल्थ। फॉर गाइस, बेटर हेल्थ के लिए स्टेनलेस स्टील का कुकर यूज करना बहुत अच्छा है और काफी आपकी हेल्थ को भी सही रखता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए विवांता ने, जिसके मैंने हाल ही में कुछ अनबॉक्सिंग किए हैं, उसी कंपनी का ही कुकर आता है जिसमें कि दो शेप्स आते हैं, एक बैली शेप एंड एक क्लासिक रेट। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग करते हुए गाइस, मैं उसे अनबॉक्स करता हूं आप लोगों के सामने और आपको शो करता हूं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, दो मॉडल आते हैं, एक बैली मॉडल है जो कि ये इधर है और एक क्लासिक मॉडल है जो कि इधर है। दोनों में ही काफ़ी सारे साइजेस आते हैं, मैं आपको अनबॉक्स भी करता हूँ और उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। इस तरीके से इसकी पैकिंग है जो कि बहुत सुंदर है। सबसे ऊपर इनका ये कुकर का लिड है जो कि प्योर स्टेनलेस स्टील के अंदर है, और इनका मेन बात क्या है, 304 ग्रेड का ही स्टील का लिड भी है। और अब इसके बाद मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, अंदर से दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से मैंने अभी ये अनबॉक्स किया है। अनबॉक्स करते ही जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो इसका स्टील का लिड है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो 304 ग्रेड के अंदर है। उसी तरीके से जो कुकर है वो भी काफ़ी हैवी बेस हैवी ड्यूटी के अंदर है और पूरा का पूरा जो है आपका 304 ग्रेड के अंदर है। विवांता कंपनी ने क्या किया गया, एक सेफ्टी बॉल जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है वो एक एक्स्ट्रा दिया है। इस तरीके से इसकी सीटी है, सीटी भी इसकी काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बढ़िया है। इस तरीके से इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके डूज एंड डजन सब कुछ इसमें मैंशनड है। मेन बात क्या है, स्टील का कुकर है, हैवी क्वालिटी के अंदर है और आपका गैस प्लस इंडक्शन और आपका जो हॉट प्लेट होती है वो तीनों में चल जाने वाला है। जो स्टील के कुकर होते हैं जितने भी, उनमें एक दो चीजें होती है जो ध्यान रखने वाली होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूं और इसका दूसरा मॉडल भी अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूं। इस तरीके से इसका ये बॉक्स है जो कि 5 लीटर के अंदर है। ये दूसरी शेप है और बड़े साइज की है जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इसका नाम बैली शेप है, बैली मॉडल है इसका। इस तरीके से ये बड़े वाला जो है बैली शेप के अंदर है, 5 लीटर का कुकर है और बहुत हैवी है गाइस। एक हाथ से उठाना है इसको, मतलब स्टील में इतना हैवी वेट करना अपने आप में ही काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है, बहुत हैवी है। बैली शेप का क्या बेनिफिट होता है कि इसमें आप इजीली कड़छी चला सकते हैं, इजीली आप इसमें कड़छी घुमाएंगे तो भी उसका कोई रोल नहीं, कोई मतलब उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो गाइस इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गैस किट दी है वो मैं आपको शो करता हूँ। जनरली क्या होता है, गैस किट जो है रबर की आती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, इन्होंने सिलिकॉन की गैस किट दी है इस तरीके से। उससे क्या है कि इसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा इसमें जो ग्रिप है वो बनी रहती है। इसमें जो ये वाली जो सिलिकॉन की रबड़ है बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी तक किसी भी कुकर में नहीं आई है, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी ब्रांड हो उस पर किसी में भी नहीं आया है। इसे बंद करना बहुत ईजी है, काफ़ी सुंदर काफ़ी गुड लुकिंग ये कुकर है। मेन बात क्या है, सीटी जो विसल होती है वो एक कंपनी ने दी हुई है, साथ में एक सेफ्टी बॉल जो कि काफ़ी मतलब यूज़ आता ही है वो कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि ताकि आपको बाहर से कुछ परचेज ना करना पड़े। इस तरीके से बाय विवांता ये दोनों कुकर हैं जो मैंने अनबॉक्स किए हैं आपको दिखाए हैं। एक गाइस, अब इसमें जो साइजेज और जो लीटर्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लासिक वाला आता है उसमें 2, 3 and 5 लीटर्स आते हैं, और जो बैली शेप है जो कि बहुत सुंदर है अपने आप में, उसमें आता है आपका 3 liter and 5 liter। सो अब इसमें एक जो साइज 2 liter वाला रह गया है उसे भी मैं आपको अनबॉक्स करके एक बार दिखा देता हूं, आप उसका भी एक बार लुक देख लीजिए। इस तरीके से 2 लीटर वाला है जो मैं आप लोगों को अभी खोल के दिखाने वाला हूं। जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं कुछ वो मैं आपको बताता हूं। विवांता इनर लिड स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर सुटेबल फॉर इंडक्शन गैस एंड हॉट प्लेट, तीनों में ही ये चलने वाला है और ऐसा वर्सेटाइल कुकर की क्वालिटी है कि आप इसे जैसे मर्जी यूज कर लीजिए, जैसे मर्जी वॉश कर लीजिए, बढ़िया रहता है। स्टील जो भी होता है हल्की फ्लेम में या मिड फ्लेम में यूज करने के लिए होता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे हाई फ्लेम में मत यूज करिएगा। और मेन जो है इन्होंने तीनों ही मॉडल में जो मैं देख रहा हूँ, तीनों ही मॉडल में सिलिकॉन का जो है गैस किट दिया है। सिलिकॉन का गैस किट अपने आप में ही एक यूनिक और एक नया एक इनोवेशन है जो कि आपको मैंने बताया। और इसका जो इस तरीके से बैली शेप तो नहीं, इसमें क्लासिक शेप है। क्लासिक शेप में 2 liter मैंने अनबॉक्स किया आप लोगों के सामने, क्लासिक शेप में 3 liter अनबॉक्स किया है जो कि इस तरीके से है, एंड 5 liter का बैली शेप है। 5 liter बैली शेप में 3 liter का भी आता है, बट मैंने ये 3 model जो मेरे को सिलेक्टेड जो मेरे को लगे वो मैंने आप लोगों के सामने अनबॉक्स किए हैं। अब इन तीनों में से कोई सा भी या तीनों के तीनों ही अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसे ओपन करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी और चीज़ की अनबॉक्सिंग चाहें या रिव्यू चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन है, मुझे आप कमेंट करके बताइए, या मेरा मेल सेक्शन है, मुझे मेल करके भी आप बता सकते हैं। प्राइजिंग इन तीनों की काफ़ी इकोनॉमिकल और काफ़ी बढ़िया प्राइजिंग है गाइस, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा। और स्पेशल ऑफर इसमें है कुकर्स में, वो भी आप जरूर देखिएगा, अवेल करिएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स बाय अवनी बब्बर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।